तो हेलो हीरोज़, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो क्लास 10th की जो मैंने जॉब से रजिस्टार की थी, उसे बीच में मैंने छोड़ दिया था। दो वीडियो अपलोड किए थे तो किन्हीं कारणों से वो छूट गया था, लेकिन अब हम इस सीरीज़ को क्या है आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि कैसा होता है। अच्छा ही होगा, आप लोग सपोर्ट बना के रखो और समझने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा डाउट आएंगे मैं आपको सभी कमेंट करना, या मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको सभी डाउट क्लियर करके दूंगा। और बेसिकली ये क्लास CBSE के बच्चों के लिए है और बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है? तो हमने पोटेंशियल तक डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है? ओम्स लॉ क्या है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ईजी टॉपिक है, ठीक है? हर किसी के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट आदमी होता है, इसी तरीके से इस चैप्टर की लाइफ में इम्पॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ। एग्जाम्पल से पहले समझिएगा, मानिए हमने किसी एक टॉर्च, ठीक है, जो पहले के ज़माने में टॉर्च आती थी, हमने एक ऐसी टॉर्च डेवलप कर ली जो कि समझिए एक सेल पे भी चलता है, मतलब एक बैटरी पे भी चलती है, ठीक है, और वो दो पर भी चलती है, ठीक है? इट कैन इवन रन ऑन टू बैटरी। सपोज ऑन सिंगल बैटरी और सिंगल सेल इट इज़ गिविंग 10 वोल्ट और इट इज़ प्रोड्यूसिंग आई कैन से 10 एम्पियर। तो अपन मान लेते हैं कि 20 वोल्ट की एक बैटरी लगाई और इसमें जो करंट हमें मिल रही है 10 एम्पियर की मिल रही है। तो अगर मैं 20 वोल्ट की एक और बैटरी लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट बढ़ेगी, ठीक है ना? तो करंट हमारी कितनी बढ़ेगी? हो सकता है करंट भी हमारी क्या हो जाए, 20 एम्पियर हो जाए। करंट हमारी इंक्रीज होगी, ये बात पक्का है। अभी हमें ये नहीं पता कि किस रेशियो में इंक्रीज होगी। बहुत बार क्या होता है कि अगर हम लेम भाषा में बात करें तो लेम भाषा में अपन क्या बोल देते हैं कि अगर हमारे यहाँ वोल्टेज कम आती है तो अपन बोलते हैं वोल्टेज कम आई है, या हमारे घर की इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है लाइट कम देती है तो हम बोलते हैं वोल्टेज कम है, हम ये नहीं बोलते करंट कम है। तो वोल्टेज कम है, और कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आती है ना, जिसे हम नॉर्मली स्टेपलाइजर में अपने यहाँ देख सकते हैं घरों में, ठीक है? तो वोल्टेज कम या ज़्यादा का मतलब क्या है कि वोल्टेज कम आई तो बल्ब हमारी कम लाइट दी, वोल्टेज ज़्यादा आई तो बल्ब हमारी ज़्यादा लाइट दी। ऐसा क्यों भैया? कम और ज़्यादा लाइट क्यों दे रही है, ये आपने सोचा? हो सकता है वोल्टेज कम आई तो जिसके कारण क्या है उस बल्ब को करंट कम मिली। उस बल्ब को जब करंट कम मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगर उससे क्या है उसी बल्ब को एनर्जी करंट ज़्यादा मिल रही है तो वो ज़्यादा लाइट देगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो कहीं ना कहीं इस रिलेशन के ही बारे में है कि किस तरह से वोल्टेज के इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी क्या होगा। हमें ये तो पता चल गया इंक्रीज करेगी, कैसे करेगी हम ये देखते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, ठीक है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है? ओम के लिए नियम के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारी करंट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि उस सर्किट में अपन कितनी पोटेंशियल या कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कहने का सेंस क्या हो गया, कहने का सेंस हो गया जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वोल्टेज की, यानी वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। हम ये नहीं कह सकते वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है? तो अगर इसे मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊँ तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर। बहुत लोगों को क्या है मुन्ना, ये नहीं पता होता है कि हम यहाँ आर क्यों लेते हैं। वाई वी टेक आर इन प्लेस ऑफ कॉन्स्टेंट,
देखिए इसके भी पीछे एक क्या है, मज़ेदार कहानी है। ये मज़ेदार कहानी क्या है, आप मानो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे तो मार्केट में हेटर्स बहुत घूमते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपन अपना काम करते चलेंगे। तो मान लेते हैं एक वी वोल्ट की पोटेंशियल है या बैटरी है, ये करंट हमारी कितनी जनरेट कर रही है, आई। थोड़ा सा बार बार फ्रेम में क्या है कि अगर आपको थोड़ी सी ऑफ स्क्रीन हो जाए या थोड़ा सा टेढ़ा दिखे तो आप एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है। मेन हम फोकस करेंगे सीखने पे। देखिए अब क्या है कि मानो कि वोल्टेज मैंने 10 वोल्ट दी, करंट सपोज 5 एम्पियर जा रही है। वोल्टेज मैंने 20 वोल्ट दी, करंट मानो 10 एम्पियर हो गई, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस मैंने लगा दी मानो 1 ओम की। तो अपन यहाँ कितनी भी वोल्टेज को इंक्रीज करते रहें उसके रिस्पेक्ट में करंट इंक्रीज होगी, बट रेजिस्टेंस बोले कि भैया मुझे कोई फ़र्क इस बात से नहीं पड़ती है, एक बार मैं जो हूँ वही हूँ। अगर इस रेजिस्टेंस की औकात होगी कि ये इतनी करंट को झेल पाएगा तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में सर्वाइव करेगी। अगर इस ये रेजिस्टेंस की औकात नहीं होगी कि ये इतनी करंट को झेल पाए तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और जो वोल्टेज होती है और जो करंट होती है ये बाबू वेरिएबल होती है। मतलब वोल्टेज और करंट को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन रेजिस्टेंस को भैया चेंज अपन नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसे रिप्लेस करना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो आ जाओ, V इज इक्वल टू क्या आई हमारी, आई आर, क्लियर है। ओम भैया ने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से हमें क्या बता दिया, रिलेशन बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे अगर कंटिन्यू करें तो यहाँ से एक अननोन जो टर्म है जिसके बारे में आपने इस चैप्टर में अभी इससे पहले नहीं सुना होगा, ठीक है, वो क्या है हमारे लिए, वो है हमारे लिए आर। तो भैया आर क्या है, आर है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भैया ये रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में कैसे रोल निभाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट में मैं आपके लिए वीडियो रिलीज करता रहूँगा ताकि जो भी चीज़ें इंटरेस्ट बनी रहे और पढ़ने में आपको मज़ा आता रहे, ठीक है। टिल देन क्या है कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें मेरे बनाए हुए खुद के नोट्स के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखें, ओके, बाय बाय।